थैंक यू मिस्टर नवगर, थैंक यू मिस्टर प्रांशल। और दोस्तों आज बनाऊंगा पापड़ी चाट, बहुत ही टेस्टी और हम सभी को पसंद है पापड़ी चाट। सबसे पहले उसके लिए उसका आटा तैयार करते हैं, और आटा तैयार करने के लिए जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, ये है नॉर्मल गेहूं का आटा, घी, मैदा, बेसन, अजवाइन, नमक और ठंडा पानी। तो आइए शुरुआत करते हैं आटा मारने की। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले मैं लूँगा 1 कप मैदा, इसमें मिलाऊंगा, क्योंकि हम थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं इसलिए मैं मिलाऊंगा इसमें 1/2 कप गेहूं का आटा और 2 बड़े चम्मच बेसन। इसको एक बार थोड़ा सा मिला लेता हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगा थोड़ी अजवाइन, इसको थोड़ा मसल के मिलाने से उसे खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत बेटर आता है। अब इसमें मिलाऊंगा थोड़ा सा नमक, इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें डालूंगा करीब 4 चम्मच देसी घी, इसे लगाएंगे हम मोइन। इसको अच्छे से मसल के मिलाना है और अच्छे से मोइन लगाना है पूरा। इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया है और आप देखिए इस तरह का, अगर मैं इसे मसलूँ तो इस तरह से मोइन लगना चाहिए। ये मैंने लिया एकदम फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा चिल्ड पानी, क्योंकि चिल्ड पानी से मोइन अच्छा लगता है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाएंगे और इस आटे को मांड लेंगे। एकदम टाइट आटा मांडना है मुझे। दोस्तों ये आटा मेरा रेडी हो गया है, अब इसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 15 और हो सके तो 20 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं धनिया की चटनी। धनिया की चटनी के लिए मेरे को चाहिए जितना मैंने धनिया लिया है उसका 1/2 मैं पुदीना लूँगा, और नमक, ये अदरक है मैंने इसको थोड़ा छोटा काट लिया है अभी, ये 1 नींबू का रस है, 2 बर्फ, हरी मिर्च और हींग। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले धनिया और पुदीना जो है इसको मिक्सी में डाल के इसमें डालूँगा मैं करीब 1/4 टीस्पून हींग, इसमें डालूंगा 2 पीस छोटे बर्फ के, हरी मिर्च 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल डालूंगा, जिंजर या अदरक। अब इसको मैं एक बार मिक्सी में पीस लेता हूँ। अब मैं डालूंगा इसमें 2 बर्फ और ये नींबू का रस। अब इसको चर्न कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगा स्वादानुसार नमक। दोस्तों रेडी है हमारी धनिया की चटनी। एक और चीज़ जो मैंने टाइम बचाने के लिए बना ली थी वो है ये काले चने। बनाना बहुत आसान है, आप रात को थोड़े भिगो के रख दीजिए और सुबह जब भी आपको ये बनानी है उससे पहले, और इसको कुकर में डाल के थोड़ा सा तेल, नमक, मिर्च, हींग और चंकी चाट मसाला डाल के इसकी कुछ सीटी बजा ली थी, और ये एकदम ड्राई बनाए थे, ग्रेवी के साथ नहीं बनाए थे। तो दोस्तों 20 मिनट से ऊपर ही हो गए। अब मैं इस आटे को एक बार और थोड़ा ताकत लगा करके गूंथ लेता हूँ। दोस्तों इसको आटे में से हम लोई निकाल लेते हैं और इसको अब बेल लेते हैं, इसको बेल लेते हैं। इसमें मैं कोई अलग से आटा या कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, बस बेल ले रहा हूँ, थोड़ा मोटा बेलूँगा, रोटी से मोटा। देखिए मैंने इसको पतला ही बेला है, इतना पतला है, सिर्फ रोटी जैसा हम बनाते हैं एकदम पतली सी रोटी, उसे थोड़ा सा मोटा है। अब इसको हम काट लेते हैं, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं गोल गोल काट रहा हूँ। तो रेडी है हमारी पापड़ी, और इसको गूंदना है मेरे को इस फॉक से, और अगर मैंने इस फॉक से इसे नहीं गूंदा तो इसके गोलगप्पे बन जाएंगे जब मैं इसे डालूंगा तेल में। ये एक और चीज़ मैं बना रहा हूँ, इसको मैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में काट लेता हूँ। मैं इसमें लगाऊंगा तिरछे कट,
अब इसको लूज़ कर लेते हैं और इसको साइड से बंद करना शुरू करते हैं। देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे इसको कर देते हैं बंद और साइड से कर देते हैं इसको बंद। इसको साइड से थोड़ा सा काट देते हैं और ये रेडी है हमारा। कुछ लोग इसे करेला बोलते हैं और कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, हम ये भी बनाएंगे। ये मैंने एकदम पतला इसको एक और बेल लिया है, एक और शेप बता रहा हूँ, इसको निमकी भी बोलते हैं। इसको मैंने बंद किया और इधर से इसको वापस बंद किया और एक बार फिर से, और इसमें लगा देता हूँ एक लौंग, इससे ये बीच में से ज़्यादा उठे नहीं, बस हो गए। तो दोस्तों अब इनको तलने की शुरुआत करते हैं। तेल मैंने लिया है कढ़ाई में और ये मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अभी, और अब मैं डालूँगा इसमें हमारी पापड़ियाँ एक एक करके। अब इसको गैस को कम कर दिया मैंने और इसको अब इसको अच्छे से पकने देते हैं, ब्राउन होने देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आँच नहीं करनी है मुझे, जिससे कि खस्ता बनेगी। और ये जो मेरी कढ़ाई है ये करीब 18 साल पुरानी कढ़ाई है और ये बहुत सालों से मेरे पास है। दोस्तों ये हमारी रेडी हो गई है पापड़ी का फर्स्ट बैच, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और अब ऐसे ही करके नेक्स्ट बैच को भी कर लेते हैं। जो हमने करेले बनाए थे वो भी धीरे से इसमें डाल देते हैं। दोस्तों हमारी पापड़ी रेडी है, अब तैयार करते हैं इसे पापड़ी चाट बनाने की। सबसे पहले हमें, क्योंकि आलू पापड़ी चाट है तो हमने लिए ये आलू बॉयल करने के बाद में थोड़ा छोटा काट लिया है। अब इसको थोड़ा मैश कर लेता हूँ हाथ से ही। अब मैं इसमें डालूँगा चाट मसाला, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल है, कलर ज़्यादा देती है, तीखी कम होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। ये आलू हमारे रेडी हैं, प्याज मैंने एकदम छोटी छोटी काट ली है, थोड़ा सा इसमें धनिया और पुदीना, ये मैं इसमें ही मिक्स करके रख देता हूँ। टमाटर को भी मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा दोस्तों ये इमली की चटनी है, ये मैंने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है तो मैं इसको अभी नहीं बना रहा हूँ। इसका जो इसको बनाने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये दही है, सेब है और मैं अनार मैंने छील लिए हैं। चलिए अब प्लेटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे हम आलू फैला करके, अब रखेंगे हम प्याज, इस पर रखेंगे टमाटर, अब इसके ऊपर रखेंगे ब्राउन चना, बहुत ही खूबसूरत कलर ऑलरेडी दिख रहा है। अब इसके ऊपर डालूंगा मैं, ये फैटा हुआ दही है एकदम, इस पर डालूंगा मैं थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सॉल्ट, थोड़े से अनार, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूँ थोड़े से अनार। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा ये सेब है और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। तो दोस्तों रेडी हो गई है हमारी प्लेटिंग हो गई है। अब मैं जो हमने करेला बनाया है वो भी मैं उसको भी प्लेट कर लेता हूँ। इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा दही,
और इस पर रखूंगा मैं करी, इस पर डालेंगे दही, चटनी, अनार और थोड़ी सेव और लास्ट में डालूंगा थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। दोस्तों ये भी रेडी है, हमारी दोनों प्लेट हो गई हैं और अब आप भी इसको अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, बाजार से कई गुना बेटर बनी है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।